all, today we will discuss about step to create chart. But इसे start करने से पहले जो भी मेरे channel पे new है वो मेरे channel को subscribe कर दीजिए so that computer से related सारे updates आपको मिलते रहे. तो चलिए हम start करते हैं. तो हम step देखने से पहले सबसे पहले हम इसे practical में देख लेते हैं कि हम chart MS Excel में कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन सा स्टेप यूज़ करके हम चार्ट क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी में स्टेप्स देख लेंगे. ओके, चार्ट क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले डेटा क्रिएट कर लेना है. जैसे कि मैंने नेम और मार्क्स इंटर किया है, उसके बाद क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि चार्ट में इतना सारा चार्ट मेरे पास अवेलेबल है, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो आपको सूटेबल लगे वो आप क्लिक कर सकते हैं. मान लीजिए वैसे तो कॉमन कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो पाई चार्ट भी, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं. तो देखिए कॉलम चार्ट के अंदर भी ये बहुत सारे चार्ट हैं, तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो देखिए चार्ट में क्लिक करने के बाद ये मेरे पास चार्ट विजिबल है, ठीक है. तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें से बहुत सारा चार्ट का टर्म, जैसे कि मैंने बताया था चार्ट प्लॉटेड एरिया नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, चार्ट एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है. तो ये सब सारा एरिया है, उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं उस वैल्यू को या उस डेटा को. और यहाँ देखिए फॉर्मेट या डिज़ाइन ऑप्शन से, चार्ट के डिज़ाइन ऑप्शन से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. ये कलर को ही क्या बोला जा रहा है, लीजेंड बोला जाता है, जैसे कि थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया था, तो इसे ही लीजेंड बोला जा रहा है. कलर भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं. तो देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप लोग उस पर राइट क्लिक करके एक्सिस का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ये चेंज कर सकते हैं. और इसमें बहुत सारा, और आप लोग ये भी चाहे, अगर मान लीजिए कि गलती से ये चार्ट आपने डिस्प्ले कर दिया, अगर आप चार्ट चेंज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम लोग चार्ट चेंज भी कर सकते हैं. इतने सारे चार्ट अवेलेबल है, जैसे कि मैंने इसमें से कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट, ये सब सारा मैंने बताया है. कुछ कुछ चार्ट न्यू है जो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा. तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, देखिए अभी ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है. तो पाई चार्ट में क्लिक किया तो देख सकते हैं कि पाई चार्ट किस लिए, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब परसेंटेज दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो पाई चार्ट में भी हम लोग अलग अलग कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. और इसमें लीजेंड ऑप्शन भी है, डेटा लेबल भी है, अपने अकॉर्डिंग लीजेंड भी चेंज कर सकते हैं आप, इसका आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं चार्ट का, फिर से इसको अलग अलग कलर से फिलअप भी कर सकते हैं. ओके, ऐसा कि आप सबको प्रैक्टिकल में समझ में आ गया होगा, तो हम लोग कॉपी में स्टेप देखते हैं. ओके, तो स्टेप वन, सेलेक्ट योर डेटा दैट यू वांट टू अप्लाई चार्ट. सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है. सेकंड, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन चार्ट ऑप्शन. सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, आफ्टर दैट चार्ट ऑप्शन में क्लिक करना है. जैसे ही आप चार्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, मतलब बहुत टाइप के चार्ट अवेलेबल रहेंगे, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट. तो चूज़ योर डिज़ायर चार्ट एंड क्लिक ऑन इट. अपने डिज़ायर चार्ट में क्लिक करना है, उसके बाद क्या होगा, वैसे ही हम लोग के स्क्रीन में चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा. आफ्टर क्लिकिंग योर चार्ट विल बी विजिबल नाउ. जैसे ही हम लोग उस चार्ट में क्लिक करेंगे हमारा चार्ट विजिबल हो जाएगा, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग रिफर्स टू अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द टाइप ऑफ डेटा. सॉर्टिंग का मतलब होता है जब भी हम कोई डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है सॉर्टिंग. जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसमें बहुत कोई मार्क्स लाए हैं. ओके, तो परसेंटेज के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा परसेंट लाया है सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर नीचे, फिर
उसके नीचे उसका कम कम ज़्यादा ऐसे करके। तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम डेटा को अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग। तो अगर हमें एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग अप्लाई करना है तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे स्टेप के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब अरेंज कैसे करते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा क्रिएट किया है, सर नेम, फर्स्ट नेम, कस्टमर, फिर से परचेज, कस्टमर आईडी है ये, ओके। उसके बाद परचेज, कितना आइटम हमने परचेज किया है। सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमें उस रो या कॉलम को, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें डेटा मेन्यू में जाना है, उसके बाद ये एरिया नज़र आ रहा है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, उसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग दिया हुआ है, एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग का साइन है और एक डिसेंडिंग टू असेंडिंग का साइन। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी जो सबसे पहले अगर ए से कोई नाम है तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद लास्ट में जेड आएगा, और नहीं तो आप क्या चाहते हैं पहले जेड से नाम डिस्प्ले हो उसके बाद ए से। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बस हम लोग नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग, या हम लोग अल्फ़ाबेट को भी अरेंज कर सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा वो पहले आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बी पहले आया, फिर जी आया, फिर आर आया, फिर डब्ल्यू आया, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो गया। जैसा कि आपने देखा ये अरेंज हो गया। और मान लीजिए इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग। उसके लिए भी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा मेन्यू में ही हैं तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग टू असेंडिंग वाले फिगर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं तो ये क्या है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, बी से डब्ल्यू पे गया है। पर अगर आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग फॉर्म में चाहते हैं तो उसी ऑप्शन से कर सकते हैं, सॉर्ट में दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी कॉलम को हम सॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने सॉर्ट किया, अब जैसे ही हमने सॉर्ट किया, ओके क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया है। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो पॉपअप मेन्यू स्क्रीन में आ रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप असेंडिंग चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कॉलम सी में भी मैंने क्या किया, इसे अरेंज कर दिया असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो जो स्क्रीन में पॉपअप मेन्यू आ रहा है उसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो सी कॉलम को भी, मतलब कस्टमर कॉलम को भी हमने अरेंज कर दिया है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब हम चाहते हैं कि परचेजेस में हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो ये अप्लाई हो गया और देख सकते हैं ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया, सॉर्ट हो गया। प्रैक्टिकल के हेल्प से जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सॉर्टिंग किसे कहा जा रहा होगा और इसका स्टेप्स कैसे है, एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप टू सॉर्टिंग डेटा। तो सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट अ सिंगल सेल इन द कॉलम यू वॉन्ट टू सॉर्ट, बोला जा रहा है या तो रो या तो कॉलम जिसे भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, उसे सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ओके। सेकंड क्या है, क्लिक ऑन डेटा टैब। डेटा टैब मतलब डेटा मेन्यू में सबसे ऊपर वाले टाइटल मेन्यू बार में क्लिक करना है डेटा टैब, ओके। जैसे कि प्रैक्टिकल में देखा होगा आपने, अ सब मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, उसमें हमें क्लिक करना है। अगर असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग, ठीक है। फिर स्टेप थ्री, ड्यूरिंग सेलेक्टिंग सॉर्टिंग ऑप्शन चूज योर डिजायर सॉर्टिंग, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, आफ्टर दैट योर डेटा विल बी सॉर्ट, बोला जा रहा है। सॉर्टिंग के समय ध्यान देना है, अगर आप असेंडिंग चूज करना तो चाहते हैं तो असेंडिंग चूज़ कर सकते हैं, डिसेंडिंग चूज़ करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा, ओके। तो
सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं फिल्टर। फिल्टर इज़ अ क्विक एंड ईजी वे टू गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबसेट ऑफ डेटा इन अ रेंज ऑफ सेल। फिल्टर इससे बोला जा रहा है, मान लीजिए कि हम लोग के घर में जो फिल्टर रहता है वो उसका क्या काम रहता है कि जो भी गंदगी रहता है उसे प्योरीफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ फिल्टर क्या काम कर रहा है एम एस एक्सेल में क्या करता है कि मान लीजिए कि आप लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे, उसमें फ़िल्टर ऑप्शन आता है। तो फिल्टर में मान लीजिए आप एक ऑप्शन डालें कि ओनली 500 to 1000 प्राइस के अंडर जो भी क्लोथ्स आ रहे हैं, कुछ जो भी आप जिसे जो चीज़ भी आपको ख़रीदना है वो बस देखना चाहते हैं, तो फ़िल्टर में हम लोग 500 to 100 अगर क्लिक करते हैं तो बस 500 और 1000 के बीच में जितने मेरे पास क्लोथ्स रहते हैं बस वही नज़र आते हैं। तो फ़िल्टर ऑप्शन में मान लीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं कि जिसका परसेंटेज 30 या 50 से ऊपर आया है वैसे वैसे स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, तो फ़िल्टर ऑप्शन से बस हम लोग कर सकते हैं। फ़िल्टर ऑप्शन सॉर्टिंग से बिल्कुल अलग है। सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जबकि फ़िल्टर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेटा को, बाकी सब डेटा को हाइड कर दे रहे हैं, जो डेटा बस चाहिए बस वही हम देख रहे हैं। मान लीजिए इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए 1000, 2000, 3000 आपके पास इम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, ठीक है। उसमें आप चाहते हैं कि जिसने जिसने टीवी ख़रीदा वो भी 1 जनवरी को उसका डेटा नज़र आए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जनवरी में डेटा, 1 जनवरी में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो बस 1 जनवरी का ही नज़र आए, तो फिल्टर इसको बोला जा रहा है, ठीक है। जो डेटा चाहिए बस वही नज़र आएगा, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसमें 3 टाइप में इसे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं ऑटो फिल्टर। इट फिल्टर्स डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वैल्यू और स्ट्रिंग। बोला जा रहा है ये स्पेसिफिक वैल्यू और स्ट्रिंग पे काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर में मान लीजिए कि 500 to 600 दिया हुआ है, कि 500 to 600 कोई भी डेटा दिया हो, या मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट जिसका 50 to 90% के बीच में डेटा है, मतलब जिसका परसेंट आया है, वैसा स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तो हम लोग क्या करेंगे 50 to 90 वाले डेटा पे ही क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन नज़र आएगा, अवेलेबल होगा। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो बस जिसका जिसका 50 या 19 के अंदर जिसका भी डेटा आया होगा, मतलब परसेंटेज आया होगा, वैसा डेटा ही डिस्प्ले होगा, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टैंडर्ड फिल्टर। इट फिल्टर्स द डेटा अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशन। बोला जा रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, हमें डेटा रिप्रेजेंट कराता है, दिखाता है कि ये डेटा ऐसा हो। स्टैंडर्ड फिल्टर में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि हम लोग वहाँ कंडीशन दे दिए 52.66, इससे ऊपर जितना भी परसेंटेज जितने भी स्टूडेंट ने लाया है और कितना तक 80.55, तो ऐसा कंडीशन हम लोग खुद से दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन हम लोग खुद से दे सकते। तो स्टैंडर्ड फिल्टर में हम लोग खुद से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ऑटो फिल्टर में वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जैसे कि रेंज में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा 50 to 90, 60 to 90, उसके बीच का वैल्यूज नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए कोई उसके बीच का वैल्यू अगर चाहते हैं कि मान लीजिए 52.66 वाला वैल्यू चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या एग्जैक्ट यही वैल्यू चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, स्टैंडर्ड फिल्टर, जिसमें कि हम लोग 52.66 समथिंग पॉइंट वाले वैल्यू को भी हम लोग दिखा सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, ओके। तो अब क्या है एडवांस फिल्टर। इट डज मोर एडवांस फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि वही हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, जो भी नंबर मान लीजिए 50, 60 या कोई भी अपना कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्टैंडर्ड फिल्टर में हम लोग करते हैं, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि आखिरकार हम लोग फिल्टर कैसा अप्लाई करते हैं कोई भी डेटा पे। तो इसे देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप्स देखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं
फिल्टरिंग, ठीक है। हम लोग फिल्टरिंग क्या करते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में यही डिफरेंस है कि सॉर्टिंग में हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करते हैं, पर फिल्टरिंग में हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं, किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी, जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया है, तो हम अब सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने डेटा क्रिएट करके रखा है मंथ, डेज और सीजन का, ओके। तो सॉर्टिंग के लिए डेटा पे जाना है, फिर फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन बटन मेरे पास आ गया हर एक कॉलम में, ठीक है। तो जिसे जिसमें भी आपको फिल्टर अप्लाई करना है उसमें सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास सब मेन्यू अपीयर्स होगा। तो देखिए, तो मैं क्या करती हूँ कि सीज़न में मैं क्लिक करती हूँ, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आया। तो मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, ऑटो सेलेक्ट या ऑल सेलेक्ट कर देते हैं, तो सारा आपको नज़र आएगा, सारा सीज़न जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा। और मान लीजिए बस आप चाहते हैं कि समर सीज़न ही नज़र आए, तो देखिए समर सीज़न ही मेरे पास नज़र आएगा। तो ये है फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्टरिंग में इसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट नहीं हो रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है। अगर हम विंटर चाहेंगे तो विंटर सॉर्ट कर सकते हैं, समर चाहेंगे तो समर सॉर्ट कर सकते हैं। और समर में भी अगर आप चाहते हैं कि जो 31 डेज का है वैसा ही मंथ हमको नज़र आए, तो वो भी सॉर्ट किया जा सकता है। देखते हैं कि कैसे सॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है, एरो है, छोटा सा बटन है, उस पर क्लिक करना है। डेज में हम क्लिक किए, अब देखिए इसमें आ रहा है 30 या 31 डेज। तो मान लीजिए हम क्लिक करते हैं 31 डेज, बस किस में क्लिक करते हैं, 31 डेज में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जिस जिस मंथ में बस 31 डेज आता है और जिस मंथ में समर सीज़न आता है उस मंथ का सारा डेटा मेरे पास नज़र आ रहा है। तो इसे ही बोला जा रहा है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते। तो इसका पहला स्टेप है स्टेप 1, क्लिक ऑन डेटा टैब। सबसे पहले डेटा टैब में क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन फिल्टर ऑफ कमांड या ऑप्शन। जैसे ही हम लोग डेटा टैब में क्लिक करेंगे, फिल्टर कमांड नज़र आएगा इस शेप में, फिगर, जैसा कि प्रैक्टिकल में आपने देखा ऐसा कमांड नज़र आएगा। उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हेडर सेल फॉर ईच कॉलम, बोला जाए कि हेडर सेक्शन में ड्रॉप डाउन एरो नज़र आएगा, मतलब ऐसा एरो नज़र आएगा जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा ऐसा एरो नज़र आएगा। फिर क्या है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द कॉलम यू वांट टू फिल्टर, उस जिस कॉलम को आप फिल्टर करना चाहते हैं उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। द फिल्टर मेन्यू अपीयर, क्लिक ऑन चेक बॉक्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले डेटा एंड क्लिक ओके बटन। फिर जैसे ही हमें एक पॉपअप मेन्यू डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा कि किस टाइप का हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, और चेकबॉक्स भी नज़र आएगा कि कौन कौन सा आप डेटा देखना चाहते हैं। तो जो जो डेटा आप देखना चाहते हैं उसमें टिक करना है, उसके बाद क्या होगा, जो डेटा आप देखना चाहते हैं बस वही डेटा नज़र आएगा, उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर स्टेप 5, द डेटा विल बी फिल्टर्ड टेम्पररली, हाइड कॉन्टेंट दैट डजेंट मैच द क्राइटेरिया, बोला जा रहा है जैसा आपने कंडीशन दिया है उसके हिसाब से जो जो डेटा उसके लिए सुटेबल होगा बस वही नज़र आएगा। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ है स्टूडेंट्स का नाम, ओके, और ये रहा परसेंटेज। तो मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिया है परसेंटेज, और मैंने फ़िल्टर क्या अप्लाई किया है, परसेंट, जिसका भी परसेंट 60 से बड़ा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स का नाम और परसेंट नज़र आए। तो देखिए इस रिकॉर्ड में 60 से बड़ा किस किस स्टूडेंट का है, तो 60 से बड़ा ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर ऑप्शन हमें क्या ऑप्टेंट होगा, ओनली दीज स्टूडेंट्स नेम, ओके, बस यही रिकॉर्ड हमें नज़र आएगा। तो ये रहा फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन ऐसे अप्लाई किया जाता है, हम लोग जो कंडीशन अप्लाई करेंगे बस उसी के अकॉर्डिंग जो मैच करेगा वही डेटा नज़र आएगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं 60 से बड़ा मतलब 60 से ज़्यादा जिसने भी परसेंट लाया है बस उसी का नाम नज़र आ रहा है, 60 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, 60 से बड़ा, तो मतलब 61 से लेकर 100 तक जितने स्टूडेंट का परसेंटेज आया है उतने ही स्टूडेंट का नज़र आएगा, ओके। सो हमने देख लिया फ़िल्टर कैसे किया जाता है,
फिल्टर करने के बाद कैसा हमारा डेटा ऑब्टेंड होता है। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वॉन्ट टूडेज नोट देन लिंक इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।